टू कॉमेडी सर्कस। आज होने वाली है यहाँ पे कांटे की टक्कर। दोस्तों मैदान सज चुकी है, खिलाड़ी रेडी हैं और पिच भी बिछ चुकी है। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है और वैसी ही हमारी अच्छी अर्चना पूरन सिंह है, उससे भी अच्छी है। और शेखर साहब आपका तो क्या कहना है, जब से आपने वेट लूज किया है हम क्रिकेटर्स को शर्म आती है कि हमारे सिक्स पैक नहीं है आपके, आपके बहुत जल्दी आ जाएंगे। सिक्स पैक तो नहीं, एक पैक आएगा बड़ा वाला। एनीवेज मैदान रेडी है, जैसा मैंने कहा है स्टेडियम खचाखच भर चुका है और ऑल द कंटेस्टेंट्स आर रेडी टू गो एंड शो देयर परफॉर्मेंसेस। पर उससे पहले आजकल चेयर लीडर भी आती है मैच देखने, तो हमारी चेयर लीडर कहाँ है? तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट हमारी ब्राजीलियन हॉटी चीयर लीडर, वेलकम टू वेलकम। अरे क्या बात है बच्ची, आप ये क्रिकेटिंग से एकदम कमेंट्री, यानी क्या क्या चेंज क्या है ये? मैं 40 साल के बाद वाला प्लान कर रहा हूँ। कमेंट्री? ओ तो इसकी प्रैक्टिस चल रही थी। अच्छा, लेकिन काफी अच्छा किया, मैं देख रही हूँ मेरा जॉब जरा खतरे में आ सकता है। नहीं नहीं, उसके लिए मुझे लड़की बनना पड़ेगा। आई एम जस्ट सेव्ड, थैंक यू सो मच। लेकिन अब आप अपना स्थान ग्रहण करिए, मैं अपना काम संभालती हूँ। थैंक यू सो मच सो मच सो मच। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। वेलकम टू बिंगो हटके चटके प्रेजेंट्स कांटे की टक्कर, जहां आज पहली बार किसी स्पिनर ने मैच ओपन किया है। और इसकी वजह भी बहुत खास है। आज का हमारा एपिसोड है स्पोर्ट स्पेशल। यहां आपको आज मिलेगा हर स्पोर्ट का फुल एंटरटेनमेंट, और जो बनेगा आज का मैन ऑफ द मैच उसे मिलेगा वो जीत का सिंहासन। और अब शुरू करते हैं हमारा अपना ओलंपिक, जहां आज किसी जबरदस्त खिलाड़ी से शादी करना चाहती है उर्वशी, और खिलाड़ी चुनने में उनकी मदद कर रहे हैं भले मानुष शकील। सो प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। लगा दो लगा दो लगा दो, जूनियर ऑस्ट्रेलिया का मैच है ना, लगा दो, ऑस्ट्रेलिया अंदर है। ओपीडी लगा दो। ओके बस केनिया जी जाए, बस आज पैसे ही पैसे। हेलो 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 हेलो, मैं तुम्हें हेलो नहीं कर रही, उनको हेलो कर रही हूँ। क्यों, मेरे में कीड़े पड़े हुए? मैंने चेक नहीं किया। उनको इतनी दूर से चेक कर लिया। सुनो मेरा दिमाग मत खाओ। सॉरी मैं हराम नहीं खाता। वैसे तुम दुनिया में आम लेने आई हो, क्या करने आई हो? मैं मिस मोहल्ला हूँ। हाँ, पूरे मोहल्ले में अकेला तेरा घर है। शादी वादी की? ए, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ मुझे पता है, बच्चों का खेल नहीं, लेकिन खेला बच्चों के लिए जाता है। और एक बच्चा हो जाए फिर वो खेलने नहीं देता। देखो तुम जानते हो मैं यहाँ किससे शादी करने आई हूँ। किससे करेगी बता दे। मैं एक स्पोर्ट्समैन से शादी करना चाहती हूँ। स्पोर्ट्समैन से? हाँ। तो मेरे से कर ले। मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ, स्टेडियम में जाकर जगह जगह मेरी फोटो लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, और हर फोटो के नीचे लिखा है पुरुष शौचालय इस तरह। अब मैं बहुत बड़ा भागता हूँ, मैं रेस में हिस्सा लेता हूँ, एक दफा एक खड़े खड़े भागता हूँ, थकता भी नहीं हूँ। अरे जाओ जाओ, तुम अकेले भी अगर रेस में भागोगे ना तो भी सेकंड पोजीशन पर ही आओगे। अबे मैं फर्स्ट आया था, तीन आदमी भागे थे। अच्छा तो सेकंड और थर्ड कौन आया था? सेकंड और थर्ड, ए सेकंड पुलिस वाला आया था, थर्ड जिसका मैं बटवा लेके भागा था वो आया था। देखो मैं तुम जैसे जेब कतरों से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा तो तुम्हारा कोई है आइडियल वाइडियल? स्पोर्ट्समैन? नहीं। स्पोर्ट्समैन है ना? हाँ। तो मैं बताता हूँ मेरे जानने वाला है। हाँ बताओ बताओ। मैं मिस मोहल्ला हूँ। मिस मोहल्ला? मेरा एक खिलाड़ी दोस्त है अपना कबड्डी का, उसे कर ले। ना ना। क्यों? मैं कबड्डी के खिलाड़ी से शादी नहीं करूँगी। वजह? मेरी सहेली ने ना एक कबड्डी के खिलाड़ी से शादी की थी। अच्छा। शादी हो गई
सुहाग रात हुई, कमरे में आया, छू करके भाग गया, दोबारा वापस आया ही नहीं। तो चल काम कर, उससे कर ले रेसलर की। रेसलर? हाँ ये सही कही। हाँ। रेसलर दिखाओ कोई। जरा एक रेसलर फेंकना। तो क्या जूते की दुकान पे आई है? दिखाओ कोई। मतलब मैंने कोई तय लगा के रखा हुआ है रेसलरों का? कोई नहीं कहा है रेसलर। तुम मुझसे क्यों बोली दिखाओ? लग रहा है मैं रेडल पे लेके निकला हूँ, रेसलर ले लो। अच्छा। मैंने तय कर लिया है कि मैं किससे शादी करूंगी। किससे? मैं क्रिकेटर से शादी करूंगी। कौन? मसलन वसीम अकरम। उससे ना करना, लेफ्टी है, सारे काम उल्टे हैं उसके। क्या कह रहे हो? अरे तेरा जहन ही गंदा है। तो वो बोलेगी खाना खाओ, बोलेगा नहीं खाऊंगा, मैं जानता हूँ उनको, थोड़ा सा सनकी है वो। तो ठीक है, फिर मैं इंजमामुल हक से शादी करूँगा। सुस्त आदमी है, क्या करेगा लाइफ में वो? उसको कभी आउट होते हुए देखा? तो बोल आउट है ग्राउंड में, ऐसे देखेगा तरसी भी निगाहों से, बोल आउट। आधे घंटे तक पीछ पे चलता रहता है आउट होने के बाद भी। क्या शायद दोबारा बुला ले यार, अंपायर बुला ले, तरस आ जाए इसको। शायद आधे घंटे में पहुंचता पवेलियन में। सब कह रहे हैं खाना वाना खा लो, वो आउट हो गया, आ रहा खाना वाना खा। फिर मैं शोएब अख्तर से शादी। उससे तो करना नहीं, उसकी स्पीड बहुत है पागल। उससे दही मंगाओ, लस्सी लेके आता है, इतना भागता है वो। पाकिस्तान में लोचा हुआ ना, 5 साल के लिए बैंड हो गया। उसने पब्लिक से बोला मुझे वोट दे के बचाओ वरना मैं अपने आप को आग लगा लूंगा, मुझे वोट दो वरना आग लगा लूंगा। तो पब्लिक ने वोट दिया? नहीं, सबने पेट्रोल दिया, बोले जल्दी करिए काम यार। मसला है ना, उससे ना करो। तो किससे करूं? मेरे जहन में है। हाँ बताओ। पुराने क्रिकेटर पसंद है कोई? हाँ, वो अब्दुल कादिर। पागल हो गए, उसके तले खुद रिश्ता आता रहा, लड़का इंजीनियर था। हाँ, क्या मतलब? उसको कभी गेंद कराते हुए देखा? नहीं। वो गेंद कैसे कराता था? सामने वाली पार्टी ने बल्ला ही फेंक दिया, हम खेलने आए, कोई मुजरा देखने आए क्या? तो फिर किससे करूं? मेरे जहन में है दो। बता। बूम बूम शाहिद आफरीदी। ना ना, क्यों? उससे नहीं करूंगी। क्यों? पिच पे टिकता ही नहीं। तो फिर सचिन से कर ले। ना ना, उससे भी नहीं करूंगी। क्यों? अरे वो पिच से हटता ही नहीं। मैंने सोच लिया। सोच ले। मैं जय सूर्या से शादी करूंगी। वीआईपी जैसे बच्चे होंगे फिर तेरे। समझ गए। क्या? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी से शादी करूंगी मैं। अबे उनसे करियो भी नहीं। इतने बड़े बड़े होंठ हैं, होंठ से ही पिच साफ कर लेते। खुदा की कसम, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी खड़े खड़े अपनी नाभि की चुम्मी ले लेंगे। अबे उनकी तो क्वालिटी का पता ही नहीं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का। खुदा, बच्चे की पप्पी लेते हैं, बच्चा पप्पी के नीचे दब जाता है। अबे उनका होंठ देखें, हम लोग खैनी खाते हैं ना यूं करके। हाँ। उनको लिए ट्रक आता है खैनी का। चलो भाई डाल दो। फिर वो बेलचे से डालते हैं। पूरा हो गया साहब, निकल लो। इतने बड़े बड़े होंठ, सालन पका लो, 150 आदमी तो भुगत ही जाएंगे। क्या पकाया? होंठ आलू पकाया, खा के जाना बहन। आलू तो फिर किस? ठीक है, मैं समझ गई। मैं ना इन्हीं से शादी कर लेती हूँ। भजी भाई से? भाई होगा तुम्हारा। मैं उसको दुला भाई बना लूंगा तेरी तरफ से, कोई मसला नहीं है। नहीं, उनसे करोगी? हाँ मैं इन्हीं से करूंगी। निकालो निकालो बुराई, निकालो, सामने ही बैठे हम, निकालो बुराई। अब बुराई कोई नहीं है। हाँ, तो? बस इनमें क्वालिटी है। हाँ। ये ग्राउंड के बाहर भी बोल्ड करते हैं आदमी। क्या करोड़ों का नुकसान हो। शादी से पहले हाथ जरूर बनवा लेंगे इनके। यकीन नहीं तो पूछ ले। बताइए जी, बताइए। अरे क्या बात है,
ये पूरा मजा। क्या बात है अब माशाल्लाह। हाँ बोलिए बोलिए बोली दीजिए। आज पहनी है कोई खड़ा हो के पकड़ के दो आदमी खड़ा तो ऊपर से छलांग लगाई तूने। डाइव किया डाइव किया। अरे तुम सदका वदका दो भाई माशाल्लाह। इतने देर से विग उठा के सर पे घूम रही थकी नहीं रही हो? नहीं है? नहीं माशाल्लाह। थैंक यू। मेरी बेइज्जती की है महसूस कर। ओके अब मैं क्या पूछूं, इन्होंने तो सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी आप बताइए भज्जी जी इनके लिए कुछ विशेष टिप्पणी कहना चाहेंगे आप? मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं बहुत ज्यादा हंसा हूं, मेरा पेट अभी भी दुख रहा है। क्लीन बोल हो गए। जस्ट आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस था आप दोनों का, पर वेस्ट इंडीज वालों से ध्यान से। याद रखूंगी आपकी बात। उनकी बेइज्जती इसलिए कि उनको उर्दू समझ में नहीं आती। Perfect performance, very good, consistent, very funny, very humorous. Great. Kudos. Thank you. Right. Definitely, I'm very happy, so I'll give you not 8, but definitely 10. Yeah. Wow, 10 points! Kya baat hai? Taliyan! Garv se bolo, hum purans hain. Quality lines, quality performance, quality timing, everything was wonderful. Aur ye jo theme hai aaj ki sports, aur us par aapne khilaadiyon ko ke upar itne badhiya punches nikale. I love you both. Thank you. Fantastic. जैसे आप सबको पता है कि हमारे जो भज्जी जी हैं उनके पास 5 पॉइंट्स की गुगली है। ये 5 पॉइंट्स किसी को दे सकते हैं उनकी फेवरेट टीम को, तो कुछ उन्हें कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? भज्जी जी बताइए, दुनिया 4 दिन की, ये सच है? तो ये 5 दिन का टेस्ट क्यों होता है? मेरे पास जवाब नहीं सर, आप ही बता दो। आपको जवाब दूंगा तो आप उसका भी जवाब निकाल दो। जिसने कहा था ना 4 दिन के, वो आदमी गलत था, दफा करो, तब क्या करना उसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शकील और उर्वशी के लिए। आपको पता है जल्दी मेरा नाम ICC रेटिंग में टॉप पे आने वाला है, एक ऐसी खिलाड़ी जिसने भज्जी जैसे बॉलर को हिट विकेट कर दिया। कैसे किया ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी वक्त है अगले परफॉर्मेंस का। ओ गुरु, अब 2 फीमेल्स प्लेयर लेकर आ रही हैं अपना फेवरेट खेल, यानी गॉसिप और बकबक का मेल। आ रही है पंजाब की फीमेल क्रिकेटर राजीव और टेनिस स्टार काम्या मिर्जा। मैं हूं पंजाब की मशहूर क्रिकेटर जीतिका। मशहूर? पहले तो कभी नाम नहीं सुना। झूठ क्यों बोल रही है, अभी बताया तो है जीतिका। तो मेरे पीछे तो पंजाब के ना बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं, कपिल पाजी, योगराज अंकल। यू मीन यूवी के पापा? वो तेरे पीछे पड़े? हाँ, बड़े नॉटी हैं, बिल्कुल अपने बेटे पे गए हैं। और एक वो नया नया मुंडा नहीं आया हरभजन सिंह, वो भी मेरे प्यार में पागल है। वो? हाँ? वो तो यहाँ भी बैठे। ओए, वो मेरे प्यार में तो यहाँ भी आ गया। आया, आया। इतना प्यार करता ना मुझसे, सच्ची बता रही हूँ। जाके ना जेंट्स टॉयलेट में लिख के आता होता था, जीतिका आई लव यू। सच्ची बता रही हूँ, ये मैं ही थी जो जेंट्स टॉयलेट में भी जाके पढ़ आती थी। बड़ा ही शरीफ बंदा है, पता इतना मासूम है, भैंस जाती होगी ना उसको देखता रहता है। भैंस? हाँ, जैसे ही गोबर करती पीछे से आवाज लगाता है, बहन जी आपका सामान गिर रहा है। चल छोड़, मुझे पता है ये शरीफ आदमी है। हाँ, मैं छोड़ू और तू पकड़ ले, पर तू कहां से पकड़ेगी, खिलाड़ियों में एक ही बीमारी है, सिर्फ फिल्म स्टारों को पकड़ते हैं। हैं, अजर संगीता, पटौदी शर्मिला, युवराज किम, और तू शायद। एक बात बता, तुम आपस में क्यों नहीं सेटिंग कर लेती? वो हम लोग में वो इंटर स्पोर्ट्स मैरिज अलाउड नहीं है। इंटर स्पोर्ट्स में? तो फिर तेरा तेंदुलकर से क्या रिश्ता, सच सच बता। ए, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ तो है, एमए नहीं, टेनिस, तू खेलती टेनिस एल्बो उसको हो जाता है। ए, वो प्रोफेशनल जेलेसी की वजह से। क्यों, वो तेरे माप की स्कर्ट नहीं पहन सकता इसलिए? पिछले दिनों मैंने उससे ज्यादा एड फिल्म्स की ना, इसीलिए। आय हाय, एक तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती, ये भज्जी भाजी सारी एड एक क्रिकेटर मुंडों को क्यों मिलती है, हम लड़कियों में हसीनाओं में क्या कमी है? ग्लैमर की कमी है।
ये क्या है? मतलब ये क्या है? अब तू फुल पैंट पहन कर बॉल उठाने के लिए झुकेगी तो ग्लैमर कहाँ से आएगा? हाय हाय, तभी मैं कहूँ मेरे पीछे ये फिल्म स्टार क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि वो सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अभी अभी इमरान खान का रिश्ता आया। ओए, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर, हाय बुड्ढे को शर्म नहीं आई बच्चियों को रिश्ते भेजता है? अरे वो नहीं, हाँ। वो फिल्म है ना जाने तू या जाने ना, उसका हीरो इमरान खान। ओए होए, उसके साथ रिश्ता ना जोड़ी। क्यों? ना ही कृष्णा के साथ। अरे क्यों? दोनों अपने मामे से पूछे बिना कुछ नहीं करते। हाँ, इनको छोड़ो यार, रिश्ता तो रणबीर का भी आया था, मैंने मना कर दिया। क्यों? अपनी देश की भलाई के लिए। देख, अगर मैंने रणबीर से शादी कर ली, हाँ। तो दीपिका फ्री हो जाएगी, हाँ। और अगर दीपिका फ्री हो गई तो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में फिर से फूट पड़ जाएगी। हाय! खेलती तो जैसी भी है पर बातें बड़ी ऊंची करती है। थैंक यू। थैंक यू कोई नहीं, और भी चीजें तो बड़ी ऊंची कर रही है। जैसे जैसे तेरी रैंकिंग गिर रही है, तेरी स्कर्ट ऊंची क्यों हो रही है? पब्लिसिटी के लिए करना पड़ता है। क्या अभी मीडिया इधर है ना, तो मैं सोच रही हूँ इनको प्रपोज कर दूं। वो बड़े गर्म सुबह के हैं, तुझे पता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैंने सुना है। अरे मैंने सुना है कि बड़े जोकी है। हाँ, पहनते भी जोकी हैं। तुझे कैसे मालूम? हमारे वहाँ नहर में नहाते हैं, और जैसे ही नहर में नहाते हैं ना, ओए होए होए, भैंस की पूंछ पकड़ के भैंस को डॉल्फिन बना देते हैं। ओए होए, इतना खेलते डॉल्फिन थक जाती, पर शेर का पुत्र नहीं थकता। थकते नहीं है? ना ना। वेरी इम्प्रेसिंग। तो देर किस बात की, मैं अभी प्रपोज कर देती हूँ। सुनिए जी, मैं आपसे। ओ हेलो, स्लो मोशन। इतनी स्लो है, वो तो बड़े फास्ट क्रिकेटर हैं। वो पहला करते नहीं, सीधा दूसरा करते हैं। प्रपोज करना तो मैं करके दिखाता हूँ तुझे। प्रपोज कैसे होता है? दिल दी बीमारी दी दवाई बन जा, दिल दी बीमारी दी दवाई बन जा, आजा मेरे, आजा मेरे बापू दा जवाई बन जा, आजा मेरे बापू दा जवाई बन जा, ओए आजा मेरे बापू दा जवाई बन जा। थैंक यू। तो बच्ची जी, आपको क्या पसंद आया, हैदराबादी बिरयानी या फिर ये पंजाब का तड़का? दोनों ही फेवरेट हैं और दोनों में मिर्चें काफी होती हैं। पहली बार ऐसी मैंने हॉकी की ड्रेस देखी है जो कि क्रिकेट की ड्रेस होकर। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ क्रिकेट प्लेयर, खेलती आकी हूँ। अच्छा। गोल किस तरफ करते हो, अपनी तरफ? करती अपनी तरफ हूँ, दूसरे करने नहीं देते। वेरी वेल डन, आई रियली एंजॉयड योर परफॉर्मेंस, इट वाज थैंक यू, ग्रेट फन। ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मुझे स्क्रिप्ट में कहीं कहीं लगा कि देयर वाज नॉट रेपिटेशन, लेकिन मे बी द पंचेस वर नॉट माइंड ब्लोइंग। It's not a perfect performance, but a 9. Thank you. 9 points. Rajiv, तुमने वो बहुत बेशर्मी से इस रोल को निभाया। Thank you. और तुम्हारी बेशर्मी इतनी कंसिस्टेंट थी यहाँ तक आने के बाद भी, जब तुम प्रपोज कर रहे थे कहीं छूटी नहीं। It was a very, very, very effective performance. Thank you. Thank you. All right, a huge round of applause. अब अगले मैच की स्पॉन्सर है बिपाशा, जो कि मैच जीतने वाले को देगी एक चुम्मा। ये वो चुम्मा है जो वो ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र को देने वाली थी अगर वो गोल्ड जीत जाते, लेकिन विजेंद्र ने जीता ब्रॉन्ज। लेकिन फिर भी बिपाशा अपना चुम्मा खाली नहीं जाने देगी। अब वो ये चुम्मा देगी उसे जो हराएगा विजेंद्र बने स्वप्निल को। तो विजेंद्र को हराने आ रहे हैं पूरे के पूरे बॉलीवुड यानी वीआईपी। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। शट अप। हाय, मैं विजेंद्र कुमार, बॉलीवुड। ओ बॉलीवुड तो आ रहा है, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और आज मैं यहां हारने आया हूं, क्योंकि अगर मैं जीत गया तो बिपाशा भासु मुझे चुम्मा देगी, और अगर उसने मुझे किस कर दिया तो मैं किस मुंह से अपने माँ को अपना मुंह दिखाऊंगा। इसलिए मैं हारूंगा, बस कोई हीरो आ जाए और मुझे हरा दे, हरा दे। पाजी, एक मिनट,
ये डांसिंग रिंग नहीं, ये बॉक्सिंग रिंग है। आई एम अ डिस्को बॉक्सर, आई एम अ डिस्को बॉक्सर। कोई सर आई मास्टर जी असली मारता आई। पाजी कमाल है, फिल्मों में तो 20-20 लोगों को मार देते हैं, मैंने हल्का सा पंच मारा तो ढेर हो गए। अब लगता है बिट्स का किस मुझे ही मिलेगा, कोई माइक लाल आ जाए मुझे हराने के लिए। अब तो मैं कहता हूँ कोई हीमैन नहीं आएगा जो मुझे हाँ मैं डालूंगा उसे, हाँ मैं उसकी जान ले डालूंगा, मैं डालूंगा उसे, कहाँ है वो, हाँ मैं डालूंगा उसे, कहाँ है वो बोल। ओ सनी पाजी, मैं तोड़ा वड़ा फैन सनी पाजी, मैं आप मुझे मारना है आपने। आप एक काम करो, आपके 2.5 किलो का हाथ है ना, उसे ऐसा पंच मारो कि मैं उठू नहीं, मैं उठ जाऊं। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस VIP की बात कर रहा हूँ जिसने मेरी इतनी मिमिक्री की, इतनी मिमिक्री की, लोग कहते हैं कि मैं उसकी मिमिक्री करने लगा हूं। my foot, but sir, oh no if no but, only shot. Oh sunny पाजी, hello पाजी, oh हीमैन भी चले गए, अब मुझे कौन हराएगा? अब मुझे कौन बचाएगा किससे? नहीं बचेगा वो, नहीं बचेगा वो, जिसने मेरे बच्चे को गलत तारीख दी, मां कसम नहीं बचेगा वो। धर्मपाजी, 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 मैंने मैंने आपके बच्चे को गलत तारीख दी, आप मुझे मारो, आप मुझे हराओ। मैं तुझे मारूंगा नहीं। फिर कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। ओ तेरी बात तो मारने की हुई थी, खून पियेंगे अब मैं क्या करूं? अब आइडिया, ओ मैं जट या मिला पगला दीवाना, और किसी बात न जाना के ओ मैंने प्यार कर दी है, खुद ही आप पे मार खा के मर गए। ओ किसने कहा था कि बॉक्सरों में सिर्फ ताकत होती है, अकल नहीं है? ओ यार पर ये भी ढेर हो गए तो मुझे हराएगा कौन? ओ है कोई मर्द का बच्चा जो मुझे हरा दे? ओ हे मैं हूं ना, ए मैं हूं। ओ शाहरुख जी, शाहरुख जी, ओ मैं जानता था कि कोई ना कोई मर्द आएगा और मुझे हराएगा। ए तुम गलत समझ रहे हो। हैं जी आप मर्द नहीं है? नहीं मैं तुम्हें हराने के लिए नहीं, मैं तो तुम्हें खरीदने के लिए आया। कमाल है, आपने क्रिकेट टीम के साथ साथ बॉक्सिंग टीम भी शुरू कर दी है। ए बॉक्सिंग के लिए नहीं, मैं तुम्हें क्रिकेट टीम के लिए खरीदने के लिए। शाहरुख जी मुझे तो क्रिकेट खेलना ठीक से नहीं आता, तो मेरी टीम में कौन ठीक से खेलता है? और वैसे भी तुम्हें गोल्ड मेडल नहीं मिला ना, मैं तुम्हें सोने से खरीदूंगा, उस सोने का तुम जितना चाहे गोल्ड मेडल बना लेना। ओ शाहरुख जी ऐसी बात नहीं है, मैं गोल्ड मेडल वहां भी जीत सकता था, वो तो मेरी माँ ने कहा कि बिप्स की किस्मत लेना, इसलिए जानबूझ के हारा हूं और ब्रोंज जीत के आया हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। सोच लो मेरी टीम को चीयर करने के लिए बिपासानी दीपिका आती है। है जी दीपिका आएगी? ओ जी तब तो सोचना पड़ेगा है। सोच लो। ओ ना शाहरुख जी आप इस पोज में ना सोचो, हाल ही में केस हुआ आप पे। मैं सोचता हूँ 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, सिर्फ 70 मिनट। लो जी 70 मिनट में इतना बड़ा फैसला करना है, मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूं, मैं गुरुजी से बात करता हूं। हैं गुरुजी, ओ गुरुजी क्यों चिल्ला रहे हो तुम? गुरुजी 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 प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। जीते रहो। ओ शाहरुख खान आया था, वो मुझे खरीदना चाहता है तो क्रिकेट टीम में। ओ अरे ओ क्या गुरुजी, मुझे तो क्रिकेट खेलना ठीक से आता नहीं। घबराने की कोई बात नहीं, जिस तरह से मैंने तुम्हें बॉक्सिंग सिखाई थी ना, उसी तरह से मैं तुम्हें बैटिंग भी सिखा दूंगा। ओ गुरुजी तो ये दुकान बंद कर दें? शुरू तुम करोगे, खत्म मैं करूंगा। ओके लो जी द शटर डाउन।
क्या बात है शेखर जी, आप बताइए। कई आवाजों के मालिक, कई कैरेक्टर्स के दाता, इस बार आपने सबको चड्डी पहना दी। संजीव कुमार चड्डी में, सनी देओल चड्डी में, धर्मेंद्र चड्डी में। सनी मैं निकला ओ चड्डी लेके। टुवर्ड द एंड इट वाज क्वाइट बिफिटिंग कि वो एक क्लाइमेक्स की तरफ जब जा रहा था तो वो इतना वो फनी से फनियर होता चला गया, और आपका साथ भी दोनों का बहुत 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 अच्छा रहा। एंड टुगेदर यू लुक रियली कॉमिकल एंड इट केम अक्रॉस वेरी वेल। थैंक यू सर, फैंटास्टिक। मुझे शुरू में लगा कि मामला गड़बड़ होने वाला है, लेकिन आपकी गाड़ी वाकई में जब गर्म हुई तो फनी फनियर, वेरी फनी, वेरी वेरी फनी होती गई। तो जो स्क्रिप्ट वॉज गोइंग ऑन एन वेरी एवरेज लेवल, इट suddenly rose and it became very very good. So from my side it is for both of you. Thank you, ma'am. I'll give you an 8. 8 points. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. I really enjoyed. Thank you, sir. हर तरीके का करेक्टर आपने बराबर वैसे ही किया जैसे मैं फिल्मों में देखता आ रहा हूँ उनको, सनी देओल हो या शाहरुख खान हो या जितने भी आपने किए, कमाल के थे। एक क्वेश्चन बची जी आपके लिए, आपने इनकी मिमिक्री तो बहुत एंजॉय की, लेकिन आपको कुछ मिमिक्री आती है ऐसा हमने सुना है, ऐसा कुछ सुनने में आया है, आपको आती है मिमिक्री? मेरे बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुना है और वो बहुत कुछ सच भी नहीं है। तो सर ये वाला सच तो भी हमारे लिए थोड़ी थोड़ी कुछ ट्राई कर लीजिए। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या बात है, वेरी गुड, राउंड ऑफ अप्लॉज। अरे आपने जवाब दिया है, हेमा जी आपको। आप खून पिएंगे तो मैंने जो घर पे दाल बनाई है वो कौन पिएगा? मेरा पड़ोसी रामू। मम्मी जी वो दाल मैं पी जाऊंगा। मम्मी जी अगर सर ये वाक्य में अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे साथ दो ठुमके लगा दीजिए सर। जोरदार तालियां हरभजन जी के लिए। आ जाइए। आपको पॉइंट्स भी मिल गए, कमेंट्स भी, और आपके साथ ठुमका भी हो गया। जोरदार तालियां स्वप्निल और वीआईपी के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जजेस, थैंक यू ऑडियंस। वैसे ओलंपिक में जाने के लिए एक इंसान को क्या चाहिए? मेहनत, टैलेंट, जोश, दम, और ये सभी खूबियां सुदेश में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर भी वो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब का नारा लगाकर चल पड़े हैं ओलंपिक सिलेक्टर कृष्णा से मिलने, जो खुद जिम में एक्सरसाइज करते पाए गए हैं। तो जोरदार तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए। बंद करो, यहाँ पे जिम में इतना म्यूजिक लगाते हो, डांस पे बाहर गई हुई। हेलो मामा जी, मैं पहुँच गया हूँ जिम में। वो जो बंदा कहते थे खिलाता है, ये तो पता नहीं हिलाता है। वही बंदा जो, वही पता नहीं कौन जो। हेलो हेलो भाई साहब, कौन है आप? सिलेक्टर। हाँ जी, जो भी है पहुँच गया हूँ। हाँ जी मामा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दूंगा। हाँ जी, थैंक यू। वाह सर, जिम तो बहुत अच्छा है। क्या बात है, हाय क्या बात। सर जी सामने पोस्टर क्यों लगाए हुए ये? एक शेखर जी का, एक अर्चना जी का, क्या है ना, इंस्पिरेशन मिलता है। अच्छा, ये बीच में किसका पोस्टर है? ये दो पोस्टर का साथ आज फ्री में मिला है। सर जी वैसे एक मैं आपको सजेशन दूं, गुस्सा नहीं करेंगे? हाँ बोलिए। ये ना होता है पहलवानी वाला काम, यहाँ लड़कियों का पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। अबे यार ये पोस्टर नहीं, असली लड़की है। अच्छा, हाय हाय। अरे जो लड़कियाँ है ना, ये जिम के बहाने आती है मुझे देखने के लिए, बैठी रहती है। गलत हो तुम, देखो इतने पैसे देते हो ना जिम में आके तो कसरत किया करो, ऐसे बैठे बैठे तो तुम्हारा पेट बाहर आ जाएगा।
अबे इसका पेट भरा है, तुमको क्या लेना देना? ले, मैं तो आपका ही नाम लगना है, मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ। स्मार्ट बंदे का नाम लगता है, मेरा तो किसी ने नाम लेना नहीं। चलो माफ करना बहन जी, वैसे चलो मैंने लेना देना क्या है। सर जी एक बात पूछनी थी, वो कबूतरबाजी आप ही करवाते हो? नहीं नहीं, ओलंपिक में बंदे आप ही भेजते बाहर? हाँ हाँ हम ही भेजते हैं। जी मैं कब जा रहा हूँ? शक्ल देख, अबे शक्ल देखी अपनी? क्यों स्मार्ट बंदे नहीं आ सकते? नहीं जा सकते? एक मिनट अभी देखते रहा मैं हाल क्या करता हूँ। हेलो मामा जी, मामा जी वो बंदे ने ना मेरी बेइज्जती कर दी, बहुत ज्यादा बेइज्जती की मेरी, हर वेले बेड़ा ऐसे थोड़ी किसी की बेइज्जती करनी चाहिए। मामा जी बंद कर, इतनी तेज नहीं मैं बोल सकता। मामा जी को समझ नहीं, मामा जी उस बंदे ने बड़ी बेइज्जती की मेरी, ये बात धमकी लगाना जरा बात करो। कौन है बे? तो बात तो कर, क्यों है बात कर जरा। हेलो ये सर, ओके सर, ठीक है सर, अच्छा सर। अरे अरे यार, अरे पहले क्यों नहीं बताया कि मंत्री जी के भांजे हो यार? तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा ही मामा बड़ा बंदा है? हैं? हमारा नहीं हो सकता? अच्छा ये बताओ अब क्या लोगे यार तुम? हैं जी? क्या लोगे? दिल में सोचा हुआ, लेना है तो गोल्ड मेडल लेना सर, चाहे लकड़ी का ही हो। अच्छा ये बताओ आप कौन से खेल में हिस्सा लेना चाहते हो? सर जी हम कौन होते हैं हिस्सा लेने वाले, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी हूं, जिसका बनता है वो ले हिस्सा में। अरे मेरा मतलब है कौन सा खेल खेलोगे? सर जी मैं कौन होता हूँ खेल खेलने वाला, खेल तो वो खेल रहा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ आप किस खेल में भाग लेना चाहते हो, किस खेल में? सर जी किस वाला खेल हो तो बंदा भाग लेगा? यार कैसा बंदा रखा है यार, कमाल है यार। तेरी कात का है। अच्छा भैया ये बताओ शूटिंग कर लोगे? यार मैं थप्पड़ मारा मुंह पे, शूटिंग करनी थी मैं बम्बे ना चला जाता। अबे मैं वो वाली शूटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि शूटिंग कर लोगे, शूटिंग गोली वाली? अच्छा अच्छा कौन सी गोली वाली? अबे कौन सी गोलियां होती है यार? गोली को एक होती है गोली मार यार, एक होती अखियों से गोली मारे, एक वो गोली होती जो शकील रात को सोने से पहले लेता है नींद वाली। अरे यार तुम ओलंपिक में नहीं जा सकते। अच्छा हाँ तेरा बाप भी भेजेगा, तू नहीं जा सकते। अरे 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 सुनो सुनो, भेज दूंगा मैं, भेज दूंगा एक मिनट। हेलो सुनीता हाय डार्लिंग, कैसी हो? नहीं मैं जरा मीटिंग में हूँ, तू एंजॉय कर बिट्टू के साथ, मैं आता हूँ। हाँ जी हाँ क्या कह रहे थे? अरे यार तुम तो बात बड़ा बात पर डरा देते हो यार। अच्छा एक काम करना, तुम ऐसे ही चले जाना। ऐसे ही मतलब ऐसे ही? हाँ मैं थप्पड़ मारने मुंह पे ऐसे ही चले, जब मैंने अरबों रुपए लेने खरबों रुपए लेने मैं जाके वहां करूंगा कुछ, ऐसे फिर मेरे में आकाशदीप में क्या फर्क हुआ, ऐसे पैसे ले लू मैं। मैं खेलूंगा जाके, चाहे वीडियो गेम खिलाओ। अरे यार तुम ओलंपिक में वीडियो गेम खेलोगे? अरे यार तुम भाग यहां से। अरे यार तुम, अबे तुम बात बात पे फोन लगा दो, अब किसको लगा रहे हो, सुनीता को के मामा को? सुनीता को। हाँ सुनीता को लगा लो। ठीक हेलो सुनीता, मामा जी को यहाँ भेज दे, वो मान नहीं रहा बंदा बहुत गंदा। अरे यार अरे अच्छा अब सुनो सुनो, अब सुनो भैया क्रिकेट के बारे में कुछ जानते हो? यार क्रिकेट हमारे देश का इतना बड़ा गेम कौन नहीं जानता, मैं वही होता ना जैसे। अबे ये गुल्ली डंडा है क्रिकेट। वो तो चलो ऐसे लगा लो, होता तो ऐसे ही है ना। हाँ तो क्रिकेट खेलोगे? हाँ खेलूंगा, मैंने ना दिल में सोचा हुआ है खेलूंगा तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान का एक ही खेल है, बंदा हार भी जाए पैसे फिर भी आ जाते हैं। और मैं जज्बाती हो गया, मैं कसम खाता हूँ हरभजन मान की। अरे हरभजन सिंह है वो, जो भी है तो स्टार ही ना। हाँ। मैं स्टार की कसम खाता हूँ, मैं क्रिकेट में जाऊंगा और हिंदुस्तान की तरक्की कराऊंगा और हार के आऊंगा। अच्छा एक काम करो भैया, तुम्हारे जज्बात बहुत अच्छे हैं, तुम क्रिकेट में सिलेक्ट हो गए हो। सची? हाँ थैंक यू। अब प्यार से हेलो मामा जी, हाँ जी काम हो गया, ओलंपिक में जा रहा हूँ मैं, क्रिकेट में। क्रिकेट में? क्या
ओलंपिक में क्रिकेट नहीं होता। वो तेरे को सिलेक्टर किसने बनाया हुआ है? अब 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 मेरे मामा ने। बंद करो इधर यार, मेरी समझ में नहीं आता, हिंदुस्तान के मामे भांजे मिलकर पूरे हिंदुस्तान को मामा बना रहे हैं। अरे इसीलिए आजकल गधे भी ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। तो चलो फिर हम भी खाएं, मैं लेके आया हूँ। ये लो ड्राई फ्रूट, इसके तीन हिस्से कर लो। तीन हिस्से? एक तेरा एक मेरा, तो शकील ने नहीं खाना। थैंक यू जी। भज्जी जी, इनकी सिफारिश का कोई आप पे असर हुआ? कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस? एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, दोनों के मामों का पता चल गया, बड़े पावरफुल मामे हैं। उनसे बच के रहूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अर्चना जी, आपसे पूछूंगी, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? थोड़े पंचेस कम लगे मुझे, लेकिन फिर भी इट्स नॉट अ बैड एक्ट, सो आई विल स्टिल गिव यू एन 8। 8 पॉइंट्स, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पिछली बार के परफॉर्मेंस को देखते हुए, जहां आपने बिल्कुल सेंचुरी मारी थी, यहां बॉलिंग करते वक्त ना लाइन थी ना लेंथ थी, बॉल कहीं भी टप्पे खा रही थी, और सेंचुरी मारने के बाद जब आप बैटिंग करने आए तो इस बार हिट विकेट हो गए। तो मैं समझता हूं आपका हर परफॉर्मेंस बिल्कुल एक ऐसे दर्जे का होना चाहिए जो कि कहीं आपको ये महसूस न करने दे कि मेरी कमी रहेगी। ठीक है सर, विल टेक केयर सर। थैंक यू सो मच, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कृष्णा एंड सुदेश। थैंक यू। तो गुरु कांटे की टक्कर स्पोर्ट्स स्पेशल में अब आने वाली है एक टीम नई, हरभजन सिंह, जिसकी स्पिन अच्छे अच्छे को घुमा के रख देती है। पर आपको पता है, मैंने अपनी गुगली से भज्जी को भी क्लीन बॉल कर दिया। कैसे ये मैं आपको अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। फिलहाल शो आगे बढ़ाते हैं, जहां अब इस खेल को आगे बढ़ाने आ रहे हैं प्लेयर राजीव, जो विजय राजेश मलाया की आईपीएल टीम में सिलेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है। सो प्लीज वेलकम राजेश एंड राजीव। हेलो, 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 हेलो। नहीं नहीं, वो एयर होस्टेस नहीं बन सकती। नहीं, शी इज नॉट अ गुड होस्ट। हाउ डू आई नो, कल शाम मैं ही उसका गेस्ट था। हेलो, 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 हेलो सर, मैं आपके जहाज से बोल रहा हूँ। हाँ, हमारा सीट नंबर है 14E, और ये एयर होस्टेस हमारे बाजू वालों को पानी दे करके पीछे चली गई है, हमको पानी नहीं दिया है। तो आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? अरे इधर छोटा सा टीवी लगा है, उसके अंदर घुस के आप खुद ही बोल रहे हो कि कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल फोन करो। जस्ट कट द क्रैप, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज भी नहीं करने देते। अरे तो विजय मालिया लग रहा है। हेलो, गलत मत गाइए आप। अच्छा बेटा, फिर एग्जैक्ट कैसा है? तो फिर ले लो। व्हाट? क्या ले लो? मतलब आप विजय माल्या हो, आपने 2020 की टीम खरीदी है ना? हाँ। तो बस मुझे भी खरीद लो। आप कौन? मैं डॉन ब्रेडमैन। ब्रेडमैन? हाँ, मतलब ब्रेड बेचता हूँ ना अपने इलाके में। अंकल आपने अपनी उम्र देखी है। अब बेटा, अब 100 में 20 कम है, तो बस सोच रहा हूँ 2020 खेल करके सेंचुरी मार दूं मैं। इस उम्र में 2020? क्यों भाई, आपकी टीम में कुंबले खेल सकता है, मैं क्यों नहीं खेल सकता हूँ? आप क्या करेंगे हमारी टीम में? मैं बैटिंग करूंगा, बैटिंग। बैटिंग के लिए रनिंग बिटवीन द विकेट्स करना पड़ता है, आप वो भी नहीं कर सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर बैटिंग भी कैंसिल, मैं बॉलिंग करूंगा हरभजन की तरह। हरभजन की तरह? हाँ। अंकल ये उम्र आपकी हरभजन बनने की नहीं है, हरी भजन करने की है। क्रिकेट के बारे में आपको पता क्या है? क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ मालूम है, पूछिए आप क्या पूछना है। तो मुझे बताइए कि बॉल और नो बॉल में क्या फर्क है? देखो, बॉल मतलब होता है धोनी, और नो बॉल मतलब होता है सहवाग। मैं बॉल की बात कर रहा हूँ, बॉल की नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। आप सलमान खान और सौरव गांगुली में क्या कॉमन समझते हैं? दोनों की प्रॉब्लम सेम है, सलमान खान एक हिरन के चक्कर में परेशान है। राइट। और सौरव गांगुली भी एक ही रन के चक्कर में परेशान है। लेकिन ये सौरव गांगुली खेल क्यों नहीं पाता है? प्रेशर की वजह से नहीं खेल पाता है। हाँ, ये तो बात सही है, क्वांग भगत जो है प्रेशर चीज ही ऐसी होती है, एक बार बन जाए तो खेलना दूर, खड़ा रहना तक मुश्किल होता है। अब
आप नहीं बन सकते हैं क्रिकेटर। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मुझे चीयर गर्ल्स ही बना दो। सफेद मूंछों वाले चीयर गर्ल्स? नहीं, मैं मुझे काली करा लूंगा मैं। लेकिन मैं अपना मुंह काला नहीं करवा सकता ना आपके चक्कर में। ठीक है बेटा, फिर ये क्रिकेट ही कैंसिल, अपने कैलेंडर सूट में मुझे ले लो। हम लोग अलग तरीके का कैलेंडर शूट करते हैं। ये क्या है? नीचे कीजिए। मतलब अंदर से मैं अलग तरीके का ही हूँ। अरे हम लोग मॉडल्स को लेकर के कैलेंडर शूट करते हैं, मुंह डल वाले लोगों को नहीं। ठीक है, कैलेंडर भी कैंसिल। थैंक यू। तो बेटा एक काम करो, एक बोतल बियर ही पिला दो बेटा। आपको क्या मैं चलती फिरती वाइन शॉप नजर आ रहा हूँ? तो फिर बेटा कुछ तो कर दो मेरे लिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तो फिर क्रिकेट टीम में ले लूं। तो उड़ा के मारेंगे, भागता है रे यहाँ से। और ये तो यार पुखाड़ करके डाल देंगे, समझ रहा है, मुंह पे। ये बिहारी भी जा मार लिया। रुक। शेखर जी, आपसे पूछना चाहूंगी। मैं समझता हूँ कि जब से कॉमेडी सर्कस की शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक का ये आपका वीकेस्ट परफॉर्मेंस था। अर्चना, डू यू अग्री विथ मी कि पहली दफा ऐसा हुआ कि पूरा एक्ट जो है वो इट वॉज just not working, it was not gelling. Because the basic premise is not funny. इससे ज़्यादा मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई जितनी अभी कि मैं क्या marks दूँ. This is it. All right, six points. Thank you sir, thank you. कोई बात नहीं, कई कई मैचों में हमें बहुत मार पड़ती है, विकेट नहीं मिलते, पर अगले मैच में आके मैं 5 विकेट लेता हूँ, मैच जिताता हूँ. That's the spirit. Thank you sir. नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हैं? आपका सिंहासन, आपने भले आज कुछ भी क्यों हुआ, पिछले एपिसोड में आपको जो पॉइंट्स मिले थे, आप सिंहासन के हकदार हैं, प्लीज वहां बैठिए। सिंहासन पे बैठना ऐसा लग रहा है इनके बीच में मत जाओ, अच्छे हैं, तुम इधर बैठो। पनिश किया गया, उधर बैठो, जाओ उधर, नील डाउन होकर बैठो सिंहासन। अब तक आपने इस कांटे की टक्कर में सुमंस और पूरंस का कमाल देखा, लेकिन अब वक्त है वर्ल्ड की बेस्ट बॉलर पूर्वी जोशी का कमाल देखने का, जिसने वाइड बॉल डालकर भज्जी को कैच कर लिया। कैसे? चलिए इस बार दिखाई देती हूँ। I really wanted to meet you. I'm very happy कि मुझे मौका मिल गया है। I'm happy too. But if I ask you something, you won't mind? क्या are you single? Single नहीं खड़ा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आपका किसी साथ अफेयर है? Are you seeing someone? नहीं। No. Okay. I just wanted to know. तो आपको ऐसा कुछ है? Are you looking for someone special? मेरे घर वाले ढूंढ रहे होंगे। मैंने उस चक्कर में पूरा पंजाबी वंजाबी खाना बनाना सीख लिया है। Tell me something, are you free? आपका तो show करें। हाँ। Okay, मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन normally मुझे लड़के पूछते हैं, लेकिन मैं आपको पूछूंगी, would you like to come out for coffee with me? हाँ, चलेंगे। Definitely, पक्का। पक्का। After the show. Okay, I'm a little excited, but it's okay. A huge round of applause for Harbhajan Singh. सारी जोड़ियाँ अपनी अपनी इनिंग्स खेल चुकी और अब है नॉकआउट राउंड यानी एलिमिनेशन। लेकिन एलिमिनेशन से पहले हमें जानना है कि भज्जी अपने 5 रन्स किसे देते हैं। भज्जी, वो लकी जोड़ी है स्वप्निल और VIP। ओह क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू स्वप्निल एंड VIP। तो बहुत मुश्किल है जो ये करते हैं, 50 लोगों की आवाज ये निकालते हैं, बहुत मुश्किल है, वो कोई नहीं कर सकता, मैं किसी और की आवाज़ नहीं निकाल सकता हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि 50 लोगों की आवाज़ निकालना बहुत मुश्किल है, सो दैट्स व्हाई। कंग्रेचुलेशंस VIP स्वप्निल। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजीव और राजेश से कि वो आकर बाकी जोड़ियों के साथ बैठे। अब हमें चुननी है हमारी आज की टॉप स्कोरर जोड़ी, तो जजेस पॉइंट्स, ऑडियंस वोट्स और भज्जी के 5 पॉइंट्स मिलाकर आज की टॉप स्कोरर जोड़ी है स्वप्निल और VIP। कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है, आज ये जीत का सिंहासन आपका हुआ। स्व
अपने लिए वीआईपी, अब कुछ भी हो जाए आप अगले एपिसोड के लिए एलिमिनेशन से सुरक्षित हैं। लेकिन इस सुरक्षा कवच के साथ एक और पार मिली है आपको। आज की दो बॉटम स्कोरर जोड़ियों में से किसी एक को बचाने की, तो जजेस को और ऑडियंस वोट के हिसाब से आज की पहली अनसेफ जोड़ी है कृष्णा और सुदेश। आई एम सॉरी, आज की हमारी दूसरी अनसेफ जोड़ी है राजेश एंड राजीव। लेकिन चूंकि आप पिछले एपिसोड के टॉप स्कोरर रहे हैं, आपके पास इम्यूनिटी है, सुरक्षा कवच है, आप एलिमिनेशन से बच गए। नो टेंशन फॉर यू। तो अब हम चूज करेंगे द नेक्स्ट लो स्कोरर जोड़ी, और आज की सेकंड बॉटम स्कोरर हैं अफसोस काम्या एंड राजीव। तो स्वप्निल एंड वीआईपी, क्या डिसीजन है आपका? इन दोनों में कौन बेहतर है और कौन कम बेहतर है ये तय करना बहुत मुश्किल है, तो टू कीप इट वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट, हम सिर्फ आज के एपिसोड की बात करेंगे। एंड हम दोनों को यही लगता है कि आज के परफॉर्मेंसेस के हिसाब से आई थिंक विल गो विद काम्या एंड राजीव। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर काम्या एंड राजीव, आज की हमारी सेफ जोड़ी। कृष्णा सुदेश, आई एम सॉरी, आपका कांटे की टक्कर का सफर खत्म हुआ। नहीं, उसमें कोई बात नहीं, हम लोग भी बैठे थे, हमें भी किसी को एलिमिनेट करना पड़ा। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि चैनल अभी फिर से ऐसा कुछ लाए कि हम लोग फिर से आके यहाँ पर सब लोग परफॉर्म करें साथ में। और तुसी ना जाओ, तुसी जा रहे हो। सुदेश, वी गोना मिस योर सॉन्ग्स। गाना सुनी लो। सुनाना। सुना ही दीजिए ना। और कोई अच्छा हैप्पी गाना सुनाना कुछ। हम जाते जाते एक म्यूजिक अवार्ड की वही आपको सुना देते हैं। बजी साहब आए हैं। जो मान जी मान तुसी मान बख्शिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अवार्ड मिल जावे ओए जे मैनू दूजी वारी, मैं नचना छड़प करके। सोनी वाले मुझको रेके, सब टीवी वाले भी टोके, मैं तो बस ले जाऊंगा अवार्ड चक के। मैं ले जाऊंगा अवार्ड, ले जाऊंगा मैं। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। हेलो, यकीन आ गया धर्मेंद्र दे बैठे हो। थैंक्स। थैंक यू।